Hello let us start Watson and Crick's model of DNA In 1953 Watson and Crick gave model to explain the structure of DNA And for this they got the Nobel prize in 1962 It was a big achievement of Watson and Crick According to them DNA is deoxy nucleic acid इट इज़ द जेनेटिक मटीरियल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट ऑफ द वायरसेस। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डी एन ए कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स। बोथ आर हेलिकली क्वाइल्ड एक दूसरे के साथ ऐसे लिपटे हुए होते हैं वन हेलिक्स इज इन द क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन घड़ी की तरह एंड अदर इज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन दस डी एन एज़ अ डबल हेलिक्स 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था और इसी अचीवमेंट पर 1962 में इनको नोबल प्राइज़ मिला गया इन्होंने कहा कि डीएनए जो है एक तमाम ऑर्गेनिज्म का आ, जेनेटिक मटेरियल है और इन्होंने साथ में ये कहा कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं और ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ रस्सी की तरह लिपटे हुए होते हैं एक स्ट्रैंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है इसलिए इसको डबल हेलिक्स कहा गया हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड देन बिकम्स पोली न्यूक्लियोटाइड और पोली न्यूक्लियोटाइड का एक चैन मैंने पिछली वीडियो में बताया था अब पोली न्यूक्लियोटाइड का दूसरा चैन है और एक चैन और दूसरे चैन के बीच में बॉन्ड्स हैं एक चैन सीधा है और दूसरा चैन जो है उल्टा है एक अगर फाइव डैश और थ्री डैश में है दूसरा थ्री डैश और फाइव डैश में है। ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जोड़कर डबल हेलिक्स बनाते हैं सो so, हर एक डीएनए एक पोलिन्यूक्लियोटाइड चैन है एंड इट्स न्यूक्लियोटाइड्स और द डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और डियाक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइज इज कम्पोज ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स इसमें तीन तरह के मालिक्यूल्स होते हैं अ फॉस्फेट डिराइड फ्राम फॉस्फोरिक एसिड अपंटोशुगर कॉल्ड डियाक्सी राइबोज एंड नाइट्रोजनस बेस ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होती हैं एक हो गया उसमें और फॉस्फेट जो फॉस्फोरिक एसिड से ड्राइव होता है एक पेंटोज शुगर है दिस इज़ पेंटो शुगर और जिसको हम डियाक्सी राइबोज कहते हैं और यहीं से बना है डियाक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ डीएनए और आरएनए को होते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसमें का मतलब आरएनए में शुगर जो है राइबोज होता है और इसमें डियाक्सी राइबोज शुगर होता है देन नाइट्रोजनस बेसिस और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस वन इज़ प्यूरिनस एंड अदर इज़ पायरिमाइडीस और प्यूरन्स के फर्दर जो है दो टाइप्स हैं एडनिन एंड गवानीन और पायरमाइडीन के भी दो टाइप्स हैं थ्री टाइप्स हैं साइटोसिन गवानीन एंड थाइमिन एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि एडनिन आलवेज आ,

फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर मैं आपको इसके बोर्ड के सहारे से भी आपको बता देता हूँ आप यहाँ बोर्ड पर देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर एंड फास्फेट। ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लोटाइड तीसरा न्यूक्लोटाइड चौथा एंड सो सोहन दिस इज फाइव डैश एंड दिस इज थ्री डैश एंड इसको हाइड्रोक्साइड ओ एच एंड भी कहते हैं और इसको फॉस्फेट एंड भी कहते हैं यहां देखिए आप अपोजिट हो गया यहां फाइव डैश और थ्री डैश था यहां पर थ्री डैश और फाइव डैश हो गया दिस इज थ्री डैश एंड फाइव डैश एंड एक दूसरे के रिवर्स है एडनिन बॉन्ड्स विद थाइमिन और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है एडनिन विद थाइमिन साइटोसिन विद गवानीन तो ट्रिपल बॉन्ड होता है सी बाइंड विद गवानीन जी एंड जी विद सी ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ थ्री डैश एंड जो है ऊपर की तरफ है यहाँ नीचे की तरफ है तो ये दोनों स्ट्रेंड एक दूसरे के रिवर्स में हैं तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनता है अब ये जो बात बोल रहा है आपको वो ये कहता है कि कार्बन यहाँ नाइट्रोजनस बेस जो है वो इसके साथ पेंटो शुगर के साथ नाइट्रोजन भी अटैच विद तो फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर पहला जो है शुगर के जो है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है आ, और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फेट जो है ये फिफ्थ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फिफ्थ जो है यहाँ पर फिफ्थ के साथ ये फॉस्फेट जो है ये अटैच फर्स्ट के साथ नाइट्रोजनस बेस और फिफ्थ पोजीशन के साथ जो है फॉस्फेट जो है अटैच होता है और इसके बीच में एक ईस्टर बाड होता है सिंस देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस डी एन ए न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑफ फोर टाइप्स यहाँ आप देख लीजिए ये डबल हेलिक्स यहाँ दिखाया है आप आपको डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम जो है मिलेंगी बुक पर भी मिलेंगी जो एक मैंने आपके लिए जो है बोर्ड पर रखी है या डिफरेंट नोट्स पर डिफरेंट तरीके से जो आपको कन्वीनियंट लगती है आप उसको अपना देख सकते हैं ये नोट्स के हिसाब से भी आपके लिए जो है ये इस तरह से जो है आप ड्रा कर सकते हैं दैट इज अप टू यू कि आप कौन सा बेटर समझते हैं सिंस देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस डी एन आर ऑफ फोर टाइप्स डी ए एम पी दैट इज डी राइबोज एडिनोसिन मानोफॉस्फेट डी जी एम पी दैट इज डिऑक्सीराइबोज गवानीन मानोफॉस्फेट डी सी एम पी दैट इज डी ऑक्सीराइबोज साइटिडीन मानोफॉस्फेट डी टी एम पी दैट इज डी ऑक्सीराइबोज थमेडीन फॉस्फेट मानोफॉस्फेट डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स और इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ये डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के साथ कंटेक्टेड होते हैं और एक फॉस्फोडाइस्टिर बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है बिटवीन थर्ड कार्बन ऑफ शुगर ऑफ वन न्यूक्लोटाइड एंड फॉस्फेट ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड तीसरा जो कार्बन आइटम है आपको पता है पहला भी जुड़ गया पाँचवा भी जुड़ गया और ये तीसरा कह रहा है कि थर्ड फॉसपो बॉन्ड किसके बीच में बनता है थर्ड कार्बन ऑफ शुगर क्योंकि पेंटोई शुगर है ये और एक एडजेंट फॉस्फेट जो है उसके साथ वन एंड ऑफ डी एन एस ट्रेंड वेयर थर्ड कार्बन इज फ्री इज द थ्री डैश एन एंड अपोजिट एंड इज फाइव डैश एंड बहुत से आर एंटी पैरल पैरल भी हैं लेकिन अपोजिट है एक फाइव डैश एक का ऊपर फाइव डैश अगर है तो नीचे थ्री डैश है दूसरे का फिर ऊपर थ्री डैश होगा तो नीचे फाइव डैश होगा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट आपने जो है डायग्राम में नहीं है लेकिन एंटी पैरेलल होना चाहिए इफ वन इज इन द फाइव डैश थ्री डैश डायरेक्शन द अदर इज थ्री डैश फाइव डैश डायरेक्शन दे आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दीज बॉन्ड्स आर फॉर्मड बिटवीन दियर नाइट्रोजनस बेसिस दस डियर नाइट्रोजनस बेसिस आर पेयरड दे फॉलो चेरागैप्स बेस पेयरिंग रूल चेरागैफ बेस पेयरिंग रूल भी आपको बताया जा सकता है और वो रूल क्या कहता है अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वट डू यू मीन बाई चेरागैप बेस पेयर रूल जो लोग मेरी वीडियो वॉच करेंगे उनके लिए ये होमवर्क भी है मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं और वो ग्रुप में शेयर करेंगे आ, आपने लिखना है व्हाट डू यू व्हाट इज़ चेरे ग्रैफ चेरा गैप्स बेस पेयरिंग रूल और साथ में आपने डीएनए की डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है दिस इज होमवर्क ये रूल ये कहता है कि ए पीयर्स विद टी एंड जी पीयर्स विथ सी दैट इज एडोनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थान एंड गवानीन विथ साइटोसिन एंड वाइस वर्सा वाइस वर्सा मीन्स अगर जी सी से पेयर करता है तो सी जी से करेगा ए टी से पेयर करता है तो टी ए से पेयर करेगा इन डी एन ए द नंबर ऑफ प्योरस आर ऑलवेज इक्वल टू द पायरिमाइडीन्स डी एन ए में प्योरिन्स और पायरिमाइडीन्स बराबर होती हैं both the strands are complementary. If we know the sequence of nitrogenous base of one strand, we can determine the sequence on the other strand. Means agar hame ek sequence अगर हमें मालूम हो, हमें पता है यहाँ thymine है, तो इत, मतलब यहाँ adenine आएगा। हमें पता है यहाँ adenine है, तो यहाँ thymine आएगा। हमें पता यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ गवानीन आएगा मतलब एक स्ट्रैंड अगर आपको मालूम है तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं <laughs> यहाँ तक मल्टीपल चॉइस का मतलब है कि आपको ऑब्जेक्टिव <coughs> टाइप में पूछा जा सकता है कि इनके बाउंड और बाउंड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है ये बेस पेयर्स के बीच में कितना बाउंड होता है बेस पेयर्स यही हो गए और ये कौन सा बॉन्ड होता है ये जैसे यहाँ ये दिस पॉइंट टू तो दिस पॉइंट जो है ये थर्टी एंड जो है इसके तो ये ज़्यादा डेप्थ में डिटेल में तो आप इसकी स्टडी कीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ड्रा कीजिए और इसको प्रिपेयर कीजिए थैंक यू